हेलो सर, पंडरीनाथ है क्या वहाँ? मैं उनकी वाइफ बोलती। पंडरीनाथ सर तो कब के निकल गए? सर वो हमारे बच्चे को स्कूल से लेने जाने वाले वाइफ है लाइन पर। समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। बहुत टाइम से मैं उनका फोन ट्राई कर रही है। हाँ मैडम, क्या हो गया? सर वो हमारी बच्ची को स्कूल से लेकर आने वाले थे। अब 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं लौटे। उनका फोन ट्राई किया लेकिन सिर्फ रिंग बज रहा है, उठा नहीं रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे मैडम टेंशन न को, मैंने उसे कहीं भेजा है, वापस आता ही होगा। अगली बार मुझसे पूछे बगैर इस केस में कुछ किया ना। ए, तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। भाई वो पुलिस ने अपन को अंदर पंजर हिला डाला, उसका गमन तोड़ना पड़ेगा भाई। इसी हाथ से मेरे भाई को मारा था ना तूने? इधर ला वो। इसके बाद रामपुरम के आदमियों को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये लड़ाई हम भाइयों की है, निकालो इसे यहाँ से। डिपार्टमेंट का हर एक आदमी मेरा परिवार है। बेटा तुम यहाँ खेलो, अंकल जरा उनके साथ खेल के आते। इंस्पेक्टर पंडरीनाथ पांडुरंग फणसेकर। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है पापा। नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा है। सब्र और सहनशीलता को कभी किसी की कमजोरी मत समझना। साहब,
पंडरीनाथ। वो सर, एक पुलिस ऑफिसर को डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहिए या पब्लिक के लिए? वैसे दोनों का मतलब एक ही है सर। नहीं, बहुत फर्क है। मैं समझा नहीं सर। सब समझ जाओगे एक दिन, लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाना।